कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 11 अध्याय 11 अनिश्चित समाकलन। आइए आज हम जानते कि दो फलनों के गुणनफल का समाकल हम किस प्रकार से करते हैं। दो फलनों के गुणनफल का समाकल करना, जिसमें हम प्रथम फलन को वैसा ही लिखेंगे और गुणित द्वितीय का क्या करते समाकलन, ऋण प्रथम का अवकलन करेंगे, गुणित द्वितीय का समाकल करेंगे और फिर इस पूरे का समाकल करते हैं। अब इस नियम के द्वारा समाकलन करना खंडसा समाकलन कहलाता है। इस विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रथम व द्वितीय फलन का चुनाव किस प्रकार किया जाए, कि दाएं पक्ष में द्वितीय पद का मान ज्ञात करना सरल हो जाए। यद्यपि प्रथम व द्वितीय फलनों का चुनने का कोई सामान्य नियम नहीं है, फिर भी इस विधि के द्वारा समाकल ज्ञात करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। पहला बिंदु, दो फलनों में से वह फलन जिसका समाकलन ज्ञात नहीं है, वह फलन जिसका समाकलन ज्ञात नहीं है प्रथम फलन माना जाना चाहिए। यदि दोनों फलनों के समाकल ज्ञात हो तो वह फलन जो उत्तरोत्तर अवकलन करने पर शून्य हो जाता है उसे प्रथम फलन मानना चाहिए। यदि समाकल्य कोई अकेला फलन है तो एक यानी कि इकाई को द्वितीय फलन मानना चाहिए। आगे देखिए, इसी में है, यदि क्या उत्तरोत्तर अवकल के द्वारा दोनों में से किसी भी फलन का अवकल गुणांक शून्य नहीं होता है तो किसी भी फलन को प्रथम फलन माना जा सकता है। लेकिन यदि दाएं पद में प्राप्त समाकल मूल रूप से प्राप्त हो जाता है तो दिए हुए समाकल का मान पूर्व में प्राप्त दाएं पक्ष के समाकल को बाईं ओर ले जाने पर आसानी से ज्ञात किया। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करने के लिए उस फलन को प्रथम फलन मानना उचित होगा जो शब्द इलेट या प्रलवित त्रिच के अक्षरों से प्रारंभ हो। अंग्रेजी में आई मतलब इनवर्स फंक्शन मतलब प्रतिलोम फलन, एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन यानी लघु गुणक, ए मतलब एलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फल, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन, ई मतलब एक्सपोनेंटियल फंक्शन चरघातांकी फलन। हिंदी में प्रलवित्रिच शब्द याद रखें। प्र का अर्थ है प्रतिलोम, ल का अर्थ है लघुगुणक, बी का अर्थ है बीजगणिति, त्रि का अर्थ है त्रिकोणमिति और च का मतलब है चरघातांकी फलन। इलेट आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री। इलेट को ध्यान रखें। उदाहरण के लिए अगर अपने को इंटीग्रेशन करना है x sin x dx तो समाकलन में x बीजगणितीय फलन है और एलजेब्रिक फंक्शन है sin। समाकलन में x बीजगणितीय फलन जिसको कि आप एलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं, sin को त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। इलेट के क्रम के अनुसार किसको सबसे पहले आप e उसके बाद टी आ रहा, इसलिए एक्स को प्रथम फलन चुनना उचित होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स बीजगणितीय फलन था, साइन त्रिकोणमितीय फलन था और इलेट के क्रम में देखे तो एलजेब्रिक फंक्शन पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है, इसलिए एलजेब्रिक फंक्शन को प्रथम माना, एक्स को प्रथम फलन चुना और साइन को द्वितीय फलन। उदाहरण दूसरा इन्होंने लिखा है, ध्यान से इसको समझे। तो उदाहरण दूसरे में हमको मिला इंटीग्रेशन log x dx। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है log x के अलावा तो हम एक को मान लेते हैं और इस एक को कौन सा द्वितीय फलन मान लेंगे। तो log x क्या है, लघुगुणक फलन है और एक कौन सा बीजगणितीय फंक्शन है। तो कंडीशन क्या आती है, इलेट शब्द को अगर देखें तो इसमें लॉगरिथम पहले है और एलजेब्रिक बाद में, इसलिए
एक को बीजगणितीय फलन का। इलेट के क्रमानुसार एल ए से पहले आता है, अतः यहाँ लॉग एक्स को कौन सा प्रथम फलन चुनना उचित होगा। आगे के निर्देशों में हम इन्हीं उदाहरणों में इलेट नियम पर विचार करें अवश्य करेंगे और इसी के अनुसार इन फंक्शन को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।